तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो का तो प्रीव्यू देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों आप भी अगर इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके कर लेना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप ये स्टेटस बना पाओगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मैं फोटो यूज करने वाला हूँ फोटो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद देखो ये जो साउंड बिटमोर प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों देखो ये जो साउंड बिटमोर प्रोजेक्ट है, यह साउंड बिटमोर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो साउंड बिटमोर प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को कुछ भी नहीं करना होगा। देखो ये जो रेक्टेंगल है इसमें मैं इफेक्ट बना के रखा हूँ, तो प्लीज़ इसको कुछ मत करो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्टेटस को बनाने के लिए एकदम फर्स्ट में आ जाना। और फर्स्ट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो दोस्तों फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों ये जो मैं फ़ोटो को एडिट किया हूँ, अगर आप भी इस तरह फोटो एडिट करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना। तो इस तरह फ़ोटो कैसे एडिट करते हैं मतलब बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, तो जाके देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो फोटो है ये फोटो को ऐड कर लेना। और ये फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और एकदम इस तरह करके इस साइड फोटो को ले आना। देखो इस तरह करके ले आना और ज़्यादा नहीं, देखो कुछ इस तरह एडिट कर लेना। और एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार फर्स्ट में प्लस देना होगा, और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो एक प्लस लग जाएगा। देखो उसके बाद दोस्तों एकदम लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद दोस्तों सॉरी एक बार बैक हो जाना, सबसे पहले इसका जो लेयर है फोटो का उसका लेयर एकदम लास्ट में ले आना। उसके बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और फर्स्ट में एक प्लस दे देना और लास्ट में, और इस साइड ले आना। देखो कुछ इस तरह करके देखो, तो इस साइड ले आना और पूरा नहीं लेना होगा, थोड़ा इस साइड रख देना। देखो कुछ इस तरह करके, और सबसे पहले एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, तो देख सकते हो कुछ इस तरह फोटो मूव होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो फोटो है ये फोटो कैसे साइड में दबा के रखना होगा, और इस तरह दबा के रखने के बाद एकदम नीचे आ जाना। और नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर रख देना, तो देख सकते हो कुछ इस तरह इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों और एक पीएनजी फोटो को ऐड करना होगा। तो पीएनजी फोटो भी कैसे बनाते हैं उस वीडियो को देख लेना, तो समझ में आ जाएगा पीएनजी फोटो कहाँ से बनाते हैं। तो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला फोटो को ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना। अगर फोटो को बड़ा करना चाहते हो तो मूव ये जूम ऑप्शन में आ जाना, और ये जो जूम ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों इस तरह करके बड़ा कर लेना। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और नीचे यहाँ पर दोस्तों एडजस्ट कर लेना। देखो कुछ इस तरह सेट कर लेना। सेट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आ जाना। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो को क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आ जाना। नीचे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन को टच कर देना, और इसका जो साइज है अपने हिसाब से बढ़ा लेना। तो देखो मैं 100 कर देता हूँ, 100
और 100 करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो एक्स वाई रहेगा धीरे धीरे उसको 0-0 कर देना, देखो कुछ इस तरह 0-0 कर देना। और 0-0 करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो ये जो मेन मतलब पीछे जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट देंगे, तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों जो फोटो लेयर को टच करने का इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद एकदम नीचे आ जाना और देखो ये जो सबसे नीचे जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फिर से फर्स्ट में आ जाना और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना होगा। तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के बाद ये वीडियो लेयर को टच करना, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करके फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। उसके बाद दोस्तों एकदम लास्ट बीट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद देख सकते हो लास्ट जो बीट है उससे थोड़ा बड़ा है ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर, तो यहाँ पर टच कर देना तो कट हो जाएगा और ये बीट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो वॉल्यूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इस वीडियो का अगर वॉल्यूम है तो 0 कर देना। उसके बाद दोस्तों ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आ जाना और स्क्रीन कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एक दोस्तों पीएनजी बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो पीएनजी बॉर्डर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडियो ऑप्शन में आ जाना और ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। तो सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं, ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। उसके बाद दोस्तों मोबाइल ट्रांसफर में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना और इस तरह करके जूम कर लेना थोड़ा। जूम करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, ये पीएनजी बॉर्डर लेयर को ऐड करना होगा और ये जो बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, ये जो शैडो ऑप्शन है नीचे ये ऑप्शन को टच करके इसका जो शैडो है वो ऑन कर देना। उसके बाद ये जो साइज है, साइज अपने हिसाब से रख लेना। तो देखो मैं 20 रख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो एक्स वाई रहेगा इसको 0-0 कर देना, धीरे धीरे रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से एकदम नीचे आ जाना और नीचे आने के बाद दोस्तों ये जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना और देखो ये जो ब्राइटनेस जो इफेक्ट है कॉन्ट्रास्ट, ये इफेक्ट को ओपन कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर में जो फोटो लेयर है पीएनजी फोटो लेयर, ये पीएनजी फोटो लेयर में उस इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा करके आप भी स्टेटस को बना लेना और बनाना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, हमारा जो स्टेटस वीडियो उसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों देखो ऊपर में जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।